बस तुमसे प्यार करे चलिए। तो वेलकम बैक गाइस, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना। ये वाला वीडियो मैं एडिट करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइट मोशन ओपन करना है, प्लस पर क्लिक करना है, इसमें 960 लेनी, इसमें 1080, इसमें 30 और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करना है, इसमें मीडिया पर जाना है, एक इसमें आपको बैकग्राउंड वाला फ़ोटो चाहिए तो ये वाला फ़ोटो लेना है, इसको फिल कर देना है, फिल तो है। अब इसमें एक सॉन्ग चाहिए तो प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, इसमें एक सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा सॉन्ग, मैं ये वाला ऐड कर लिया। अब वीडियो पर क्लिक करना है, इसमें ऊपर में 3 डॉट, इसमें क्लिक करना है, इसमें एक्सेप्ट ऑडियो कर देना है, इसको वीडियो को डिलीट कर देना है। तो इसमें फ़ोटो पर क्लिक करना है, इसको सॉन्ग जितना है उतना में आपको रख देना है स्पीड की मदद से। अब इसमें सॉन्ग पर क्लिक करना है, इसको होल्ड रख के नीचे कर देना है ऐसे। अब एक फ़ोटो ऐड करना है जो आप लगा सकते हैं, इसमें मीडिया पर जाना है, एक फ़ोटो लेना है, ये वाला फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। और इसमें जाना है मूवमेंट ट्रांसफर पर, इसमें इसको थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको छोटा करना है ऐसे। इतना में रखना है। अब इसको हटा देना है। अब इस पर इस फोटो पर क्लिक करके इसको होल्ड रखना है, इसमें नीचे में आके छोड़ देना है। अब इसमें बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, इधर इसमें क्रोमा की इसमें सर्च मारना है, तो यहाँ से इसको सर्च मारना है CHR, इसमें क्रोमा की को इसमें क्लिक कर देना है, इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है, इसको ग्रीन में रख देना है ऐसे। अब इसको ट्रस्ट इसमें क्लिक करना है, इसको पूरा ऐसे करके इसको आपको इतना में रख देना है, तो क्लियर है गाइस। तो देख सकते हैं आपको कितना यूनिक लगने लगा ये वाला। तब इसको आप बंद कर देना है। अब फ़ोटो पर क्लिक करना है, इसमें मूवमेंट ट्रांसफर इसमें जाना है और इसको अच्छा से एडजस्ट कर देना है ऐसे, इतना। और इसको थोड़ा सा और इफेक्ट को इसको ऐसे करके इसको कर देना है, इसलिए ग्रीन ग्रीन आ रहा था, अब नहीं आएगा देखिए। अब फ़ोटो पर क्लिक करना है, इसको ऐसे करके इधर में स्पीड की मदद से इसमें क्लिक कर देना है। तो इसमें फ़ोटो पर क्लिक करना है, मूवमेंट पर जाना है और इधर में एक प्लस लगाना है और इसको थोड़ा सा इसमें स्लाइड करना है, इसमें ऐसे इतना में रख देना है। अब इसमें लास्ट में जाना है, इस पर एक प्लस लगाना है और इसको ऐसे करके इसको स्लाइड करना है इतना। तो क्लियर है गाइस, देख सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार। तो क्लियर है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नया इफेक्ट के साथ।